नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट ट्यूब से बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जी हाँ, अक्सर आप लोग सुने होंगे कि टेस्ट ट्यूब से बेबी हुआ, तो ये किस प्रकार होता है ये हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। दूसरा बात करें कि टेस्ट ट्यूब से बेबी यानी बच्चा पैदा करने की नौबत आती क्यों है, क्या कारण है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग करना पड़ता है, तो सबसे पहले यहां पे चलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे जन्म देने की कारण जो है सबसे पहले यही है, 5 पॉइंट। अगर किसी व्यक्ति की शुक्राणु की गुणवत्ता खराब हो, यानी शुक्राणु काफी कमजोर हो, काफी तेजी से नहीं चल पाते हो, गतिशील ना हो, तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा ही बच्चे जन्म लेंगे। दूसरा बात करें कि जिनकी शुक्राणु की संख्या कम हो, यानी जितनी आवश्यकता है, एक नॉर्मल शुक्राणु की संख्या जितनी होती है उससे अगर किसी व्यक्ति की शुक्राणु कम है तो भी हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो है, बाझपन के शिकार, अगर ऐसा कोई दिक्कत है चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, बाझपन के शिकार है तो भी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा जो है बच्चे का जन्म दिया जा सकता है। चौथा यह बात करें, ओवरी में अंडे का कम निर्माण तथा अंडा की गुणवत्ता में खराबी, यानी यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी में अंडा कम बन रहा है या इसके गुणवत्ता यानी इसके क्वालिटी में किसी भी प्रकार का दोष है तो भी हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के द्वारा जो है बच्चे को जन्म देते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन की समस्या, यानी अंडा और शुक्राणु का सही रूप से नहीं मिलने के कारण भी महिलाएं मां नहीं बन पाती है, पुरुष पिता नहीं बन पाते हैं, तो हम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चे का जन्म कैसा होता है, यानी किस प्रकार होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल सा फिगर हमने बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब यहाँ पे समझिए, ये जो है आपका फिलिपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो है आपका घुमावदार जो नली है इसको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, ये यूटेरस यानी गर्भाशय है, ये जो है सेविक्स है और इसको बोलते हैं वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है सबसे महत्वपूर्ण एक आपका चित्र जो हमने बनाया है। अब इसमें समझिए कि किस प्रकार टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। डॉक्टर क्या करता है कि किसी मशीन द्वारा, डॉक्टर के पास तो बहुत सारे ऐसे आधुनिक मशीन होते हैं, तो उस मशीन के द्वारा इसके अंदर से यहां से जो है अंडे को निकाल लेता है, ठीक है, यहां पे इस अंडे को हमने बाहर निकाल लिया, ये महिलाएं में स्थित है, ठीक है, यानी फीमेल का पार्ट है ये, तो ये इस अंडे को किसी मशीन के द्वारा, किसी पाइप के द्वारा या सक्शन पाइप के द्वारा हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पुरुष की स्पर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप जानते हैं कि पुरुष तो है आसानी से अपना स्पर्म बाहर कर सकते हैं हाथों के द्वारा, तो उस स्पर्म को, एक स्पर्म को ले लिया गया, ठीक है, यहां पर समझ जाइए ये स्पर्म है और ये अंडा है, ओभम है, ठीक है, ये दोनों को हम यहां पे फर्टिलाइज करा देते हैं, किस में, एक परक नली में हम इसको फर्टिलाइज करा देते हैं, तो बेबी का बॉर्न हो जाता है, यानी बेबी जो है आपका तैयार हो जाता है। अब क्या प्रॉब्लम आती है, किसी किसी केस में जब यहां से इस ओवम को निकाला जाता है, तो देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव केस होता है, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग के द्वारा या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब हम इसको बाहर निकालते हैं, तो इससे क्या होता है, बाहर निकालते समय इसमें किसी प्रकार का खरोच आ सकता है, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, जो इसे अपने नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, तो इस अंडे को बाहर निकाला जाता है तो उस समय किसी प्रकार की खरोच हो जाती है या कहीं चोट लग गया, इस अंडे में कहीं टूट गया, छिल गया, फट गया, तो इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स कि दो अंडे को निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिए, यहां पे हमने दो अंडे को निकाला, ठीक है, दो अंडे को निकाला, अब पुरुष के एस्पॉम से दो लेंगे, ठीक है, इसमें दो एस्पॉम से हमने क्या किया,
फर्टिलाइज कराया, तो यहां पे क्या हुआ, दो बेबी का निर्माण हो गया, तभी जो है ट्वीन बच्चे हो जाते हैं। बात समझ में आ रही, अक्सर जो है इस केसेस में ट्वीन बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी यानी हमारे देश की टेक्नोलॉजी, साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि अगर हमें एक की आवश्यकता है तो एक भी निकाल सकते हैं और पूरी सुरक्षित तरीकों से इस अंड ओवम में जो है किसी भी प्रकार का खुरुच तक नहीं आएगा, इस प्रकार जो हम लोग निकाल करके और परख नली में दोनों का फर्टिलाइज कराते हैं। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां पे फर्टिलाइज हो गया, अब इसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसके लिए कहां से देंगे, फिर इसको उठा करके अच्छे से ये जो है यूटेरस में यहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी माता जो होगी जो भी अपना भोजन करेंगी तो भोजन से जो भी उनका जो रस प्राप्त होगा यानी एक प्रकार से पोषक तत्व तो प्राप्त होगा वो किसको मिलेगा, प्लेसेंटा को। अब यहाँ पे आप समझेंगे नहीं कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के लिए जो हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा को मिलेगा। और प्लेसेंटा से जो है एक पतली सी नली जुड़ी हुई होती है जो बच्चे की नाभिक में जुड़ी होती है, नाभि यानी ये बीच में जो नाभि होता है वहां पर जुड़ी होती है, जिसके द्वारा बच्चा को पोषण मिलता है, ठीक है। और बच्चा धीरे धीरे जब वो अपना पूरी तरह से आकार में आ जाता है यानी बड़ा साइज का होता है, फिर जो है इसी रास्ते से बॉर्न हो जाता है। तो आप समझ गए कि टेस्ट ट्यूब के द्वारा यानी ऐसी विधि जो फर्टिलाइजेशन हमारे फिलिपियन ट्यूब में ना करा करके हमने इसको बाहर निकाल करके एक परख नली में जो है दोनों को मिला देना, ठीक है, ये हमारा कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये समस्या किनको होती है, तो जीन में शुक्राणु की गुणवत्ता खराब है, जिनकी शुक्राणु की संख्या कम है, जो बांझपन के शिकार हैं, जो ओवरी में अंडा का कम निर्माण होता है यानी यहाँ पे अंडा का कम निर्माण होता है, तथा अंडा की गुणवत्ता में खराबी, इसकी क्वालिटी में अगर खराबी है तो आपको टेस्ट ट्यूब मेथड अपनाना पड़ेगा, या फर्टिलाइजेशन की समस्या होती है तो आपको टेस्ट ट्यूब मेथड अपना करके आप मां बनने की खुशी प्राप्त कर सकते हैं और पुरुष पिता बनने की खुशी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।